स्वामी ब्रह्मानंद जी के दो शिष्य जिनकी चमत्कार की गाथाएं आज सारा देश गा रहा है। हिमालय की गुफाओं में इनका डेरा, कंदमूल इनका आहार, परोपकार इनकी दिनचर्या और तपस्या इनका जीवन, आप लोगों के कष्टों के निवारण के लिए बहुत अनुरोध करके हिमालय की चोटियों से मैं उन्हें यहाँ पर। अबे ये तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा झूठ बोल रहा है, पहचाना इसको? ये वही रानी होटल वाला है ना? हाँ प्यारे, जब किस्मत सीधी हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। आप उनकी बातें सुने और उनका करें तो आपकी नैया भी पार लग सकती है। हाँ तो सज्जनों, पुजारी जी, असमय यहाँ आने की हम क्षमा चाहते हैं। आपने हमें पहचान तो लिया होगा? अवश्य अवश्य, आप लोग यहाँ आने की तकलीफ क्यों किए? मुझे बुला लिया होता मैं चला। आपके नाना जी ने हमें यहाँ भेजा है। नाना जी? जी हाँ, आपकी नानी मर गई है। नानी? हाँ तो सज्जनों, मैं कह रहा था मेरी नानी मर गई। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या है पुजारी जी कि आज शाम को सेठ धनी राम जी के लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? हाँ नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। धन्य हो भगवान, साक्षात बजरंग बली की अवतार, अभी तक तो एक ही देखा था, आज दो दो देख रहा हूँ। मेरी टोपी से सिगरेट भगवान, चमत्कार भगवान। चमत्कार, घोर चमत्कार। सिगरेट? हमारे प्रसाद को सिगरेट कहता है मूर्ख, सूटा मार। सेठ जी सूटा मारिए, जल्दी सूटा मारिए। घोर चमत्कार भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दिल की बात समझ गए होंगे। समझ गए बच्चा, जो तुम दिखाई दे रहे हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो पुत्र उसे सिर्फ हमारे ज्ञान चक्षु देख रहे हैं। मैं आपका दास हो गया, आपने दिखला दिया कि आप कितने महान हैं। पर बच्चा, जो तुम समझ रहे हो वो हम भी नहीं हैं। मूर्ख जो ठहरा भगवान, कैसे समझूंगा। पर हम तुम्हें वचन देते हैं पुत्र कि जाने से पहले हम तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल देंगे। क्या खोल देंगे? ज्ञान चक्षु। आइए पधारिए पधारिए। अरे भक्तो, भगवान आ गए, प्रणाम करो। नमस्कार महाराज। जी महाराज। जय महाराज। जय महाराज। नमस्कार महाराज। जय हो। जय। नमस्कार महाराज। जय हो। जय हो महाराज। नमस्कार। जय हो प्रभु। जय खेल खत्म हो गया है स्मगलरों। ये क्या रूप धारण कर लिया महाराज? आपकी महिमा हमारी समझ में नहीं आई। हमसे वो खेल खेली महाराज जो हमारी समझ में आ जाए। यही हमारा असली रूप है। क्या मतलब? क्यों इंस्पेक्टर हीराचंद? यस इंस्पेक्टर पीराचंद। इंस्पेक्टर हीराचंद? इंस्पेक्टर पीराचंद? यस इंस्पेक्टर हीराचंद एंड पीराचंद फ्रॉम सीबीआई सब्जी मंडी न्यू दिल्ली। अंकिन पांडु हवलदार, पुलिस चौकी नागपड़ा मुंबई। खबरदार, अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो भुट्टे की तरह भून के रख दूंगा। तुम सब लोग हमारी हिरासत में हो, ले जाओ इन्हें। लेकिन उस्ताद, इनको मैं छोड़ूंगा किधर? अबे इन बंदरों को रेती बंदर, घोड़ बंदर, पोरी बंदर के आसपास छोड़ देना, लेकिन पुलिस स्टेशन से दूर। समझ गए? समझ गया, चला ससुराल। अबे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब माल कहाँ ले जाएंगे? 50,000 का ग्राहक तो तैयार है प्यारे। अबे ये माल तो लाखों का है। अबे अपने बाप का क्या जाता है, जो आता है आने दे, जो जाता है जाने दे। एक चार चार आठ चार बारह चार सोलह चार बीस चार चौबीस और एक पच्चीस और एक पच्चीस पच्चीस और पच्चीस पचास चोरी। यार इतनी बड़ी चोरी भारी तो नहीं पड़ जाएगी? आ गए ना अपनी औकात पे। अबे 36 छोटी चोरियां की तो कुछ नहीं हुआ, आज बड़ा हाथ लगा तो घबराहट हो गई। हाँ देख प्यारे,
चोरों के यहाँ चोरी चोरी नहीं कहलाती, हेरा फेरी कहलाती है। वाकई यार, जब उनको पता चलेगा कि चोरों को मोर पड़ गए तो साले जार जार रोएंगे। फिर गलत, अबे ना रोएंगे ना घर जाके कहेंगे। जी नहीं, चुप रहेंगे। अबे यहाँ आगे तो कौन है भाई? मैं देखता हूँ। आप कहती तो नहीं जाते हैं, वरना इस अंधेरी रात को दिवाली की रात बना देते हैं। जी मेरा मतलब है कि ऐसे पटाखे छूटते हैं कि कानों पर आवाज भी सुनाई नहीं देती। हा? अरे भाई, इसको तो पहलियों में बात करने की आदत है, आप घबराइए मत। आइए आइए, अंदर आइए आइए आइए। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। पानी लेता हूँ, पानी लौकर जल्दी लाना पानी। बैठे ना, देखिए घबराइए मत, दरअसल आप डर गई हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों है ना। अबे जल्दी आ, ये लीजिए पानी, पी लीजिए पानी। धन्यवाद। एक बात बताइए देवी जी, इतनी रात गए अकेले आप कहाँ चले? यार तू भी हद करता है, इतनी जल्दी क्या ये सब पूछने? अरे भाई मैंने क्या कहा है, तू तो ऐसे बिगड़ रहा जैसे मैंने इसे रुला दिया। तू समझता नहीं है, दर्द भरा दिल जरा सी ठेस लगने पर छलक पड़ता है। कुछ नहीं, क्या है, इनसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आपके दिल में दूसरों के लिए कितना प्रेम है, काश मेरा भी आप जैसा कोई दोस्त होता। मैं हूँ। फिर रुला दिया तूने। अबे क्या कर रहा, चल उठ, चल। अबे तू बाजार चल और कुछ खाने के लिए क्या? अबे बता कैसे तो रख, मैं चलता हूँ। देखिए अब आप रोइए मत, हम आपको थोड़ी देर के बाद घर पहुंचा देंगे। तो क्या आपके लिए घर के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं? लेकिन समुद्र की गहराई और रेल की पटरियां तो कोई बंद नहीं कर सकता। आप क्या कह रही हैं? सुनिए, आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं, जब तक चाहें। हाँ, इसे अपने घर समझिए। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, विजय अभी खाना लेके आता ही होगा। लीजिए, आ गया आ गया आ गया। मुर्गी आएगा काय साला। अरे मारे गए गुलफाम, गिरज में मारे गए गुलफाम, हाँ मारे गए गुलफाम। अरे गुलफाम को मार डाला। किसने? गुंडों ने। आप ये जो आपके पीछे लगे थे, मैं अकेला था और वो चार चार थे। चार चार थे, पर वो तो
आपके। अरे एक आंख से तो मुझे चार ही दिखाई दिए, दूसरी आंख तो सालों ने खुल ही नहीं दी, लेकिन मैंने उनकी वो धुलाई की कि जिंदगी भर वो किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखेंगे। पर आपको तो कितनी चोट आई है। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी से थोड़ा गर्म पानी लाइए ना। पानी? हाँ हाँ पानी। जहाँ लौंडिया देखता है इसका ड्रामा शुरू हो जाता है। देखो पानी में थोड़ी सी फिटकड़ी डाल देना। फटकड़ी चाहिए? हाँ बेटा भी देता हूँ फटकड़ी। और एक ग्लास गरम दूध भी मंगवा देना। हाँ हाँ। और एक ग्लास गरम दूध। मक्खन मार के। मक्खन मार के? अरे मस्का डाल के। मस्का मार के? हाँ हाँ मस्का मार के। मस्का मार के बहुत अच्छा मस्का। हाँ बड़ी भूख लग रही है। ये बेटे मस्का वाला दूध और ये रहा तेरा फिटकड़ी वाला पानी। हाय हाय जनाब, पानी भी है और दूध भी है, आप क्या पीना पसंद करेंगे? दूध। दूध लेटी रही मैं पिला देती हूँ। अबे ओ साले, उन्होंने तेरे हाथ पैर भी तोड़ दिए कि इनके हाथों से दूध पी रहा है। छी 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 कैसी बातें कर रहे हैं आप। अजी आप इसे नहीं जानती, ये लड़कियों के साथ ड्रामे करता है, कभी किसी से कहता है मेरी नानी मर गई और कभी किसी से कहता है मेरी दादी मर गई। नहीं नहीं मैं इसकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी नानी और दादी वाकई मर चुके हैं। आप दूध पिलाइए ना। पिलाइए। अरे ये दूध है कि दूध? अरे बच्चे दूध है, फटकड़ी है इसमें। अरे अरे बहुत अच्छा है, पीले शाबाश। पीले पीले पीले। अब फेरी जी रात बहुत हो चुकी है, आप अंदर जाके सो जाइए, हम दोनों यहाँ सो जाएंगे। लेकिन ये तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ भगवान ने चाहा तो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ चलो हाँ चलो चलो हम चल कर सो जाग रहा है? हाँ बेटे, जब घर में आग हो और बच्चा नादान हो तो होशियार रहना ही पड़ता है। चल सो जा। अरे सो जा। अबे ना खाता है ना खाने देता है। अबे उठ, 9 बज गए हैं और उसे भी उठा जिसके लिए रात भर ना सोया ना सोने दिया। मुझे कपड़े बदलने। आ जा। देवी जी आप नहा रही हैं? लगता है साला चिपक गया है। दोस्तों ये माया तुम्हारी थी ना मेरी थी, बस वक्त की हेरा फेरी थी। लक्ष्मी जी रात तुम्हारे साथ आई थी, अब मेरे साथ जा रही हैं। रात की तकलीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बेहद खुशी होगी कि आज रात का खाना आप लोग मेरे साथ खाकर मुझे उधार बराबर करने का मौका दे। मेरा पता है 47 पार्क एवेन्यू खार बॉम्बे 52 किरण। अब क्या होगा? होना क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से दे।